ओम शांति। 17/10/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। प्रश्न: ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? उत्तर: ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है, फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए यह ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर यह सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर यह सर्विस भी ना करे तो बोझ चढ़ेगा। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमो शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे। वो हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे तुम मात पिता। अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो, बस शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। रात दिन का फर्क हो गया। यह दुनिया को पता नहीं है। शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनका बाइबल बना। यहाँ शिव पुराण है, परंतु वह तो दूसरे किसी ने बनाया है। वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। बाप ने तुमको समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया? शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहें व शिव पुराण को कहें, दो तो हो ना सके। भारत का धर्म शास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। इसने यह सुनाया। क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा जिसका बाइबल बना। तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। उसमें तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। मन मनाभव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा। शिव पुराण अलग है। यह है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है, उनका नाम शिव है। वह गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, शिव पतित पावन है। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह तो शिव ही कर सकता है। श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है। फर्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता है, जो समझते हैं उनका फर्ज है अलौकिक कार्य करना। खुशी होनी चाहिए। अथाह खजाना मिला है तो दान देना है। बाप का परिचय देना बहुत सहज है। भगत भगवान को याद करते हैं। भगवान आकर फल देते हैं। फल कौन सा? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे। सर्व का सदगति दाता श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता, परमपिता परमात्मा को कहेंगे। तुम जानते हो परमात्मा निराकार है। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप बन नहीं सकता। सभी आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा ही गाया हुआ है। बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय देना है। वह तो सर्वव्यापी या लिंग कह देते हैं। भला लिंग का ऑक्यूपेशन क्या होगा? परमपिता परमात्मा की तो महिमा है, पतित पावन ज्ञान का सागर। यह पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए, कोई भी आए तो पढ़े।
तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है, बाप से ऊंच वर्षा पाने का शौक चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाला है, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं, मेरा अकल्याण कब होता नहीं, अकल्याणकारी रावण है, यह मनुष्य नहीं जानते। तुमको जाकर समझाना है, बादल भर कर फिर जाए बरसाना है, बादल भर कर फिर जाए बरसना है। शौक कितना होना चाहिए, अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया है, तब औरों का नहीं कर सकते हैं। सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करे वह नहीं करते। सुनते हैं फिर धंधे में थककर घर गए तो खलास, दान नहीं देते हैं तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है, हर एक को अपनी दिल से बात करनी है। अगर किसको देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा? शिव बाबा कहते हैं, मैं तो हूं ही कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। भलजन को धारणा नहीं होती, उनके लिए स्थूल सर्विस है। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है। सर्विस सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है कि हमने कितनों का कल्याण किया। आते बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं, बाकी धंधे आदि में लग जाते हैं। समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ, परंतु धन दान भी करना है। अपने से पूछना है, अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे। बहुत बच्चियां कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं, उनमें भी नंबर वार है। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड में रखेंगे। तो अपना कल्याण करना चाहिए, जिनको अपने कल्याण का नहीं वह क्या पद पाएंगे। बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते, इतनी ताकत नहीं जो जाकर दान करें। सवेरे मंदिरों में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाला कौन है। अब बाप कहते हैं, मैं इस तन में आया हूं, वह तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है। घोष्ट छाया के मुआफिक आते हैं, यह भी वंडर है, कैसे घूमते फिरते रहते हैं, कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर ना मिलने कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है। घोष्ट की परछाई नहीं पड़ती, आया गुम हो गया। इन बातों में अपने को नहीं जाना है, दरकार ही नहीं। इस खोज में जाए तो शिव बाबा भूल जाए। बाबा का फरमान है, निराकार बाप को याद करो। अपनी और दूसरों की देह को भूलना है, सबका प्यारा है शिव बाबा। बाप कहते हैं, और कोई बात में ना जाकर बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा। मन मनाभाव का अर्थ भी यह है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे, निराकार ही गाइड बन सभी आत्माओं को ले जाते हैं। मच्छरों सदृश आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण हो ना सके, उनको पुनर्जन्म में जाना है तो बाप का परिचय सबको देना है। भक्तों का भगवान एक है, वह बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला जरूर चाहिए। बाबा जहां जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे, सर्विस का शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं, वह सम्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप नहीं जा सकता, वह बच्चों का काम है। बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि तो बाप के आगे आएंगे ही नहीं, उनको तो मान चाहिए। बाप का पार्ट वंडरफुल है,
जो पास्ट हुआ ड्रामा, आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे। पहले बच्चों को समझाना पड़े, गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है। कोई भी उलाहना ना दे, रह ना जाए कि हमको पता नहीं पड़ा। राजा रानी तो कोई है नहीं जो इत्तला करे। नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाकर वृद्धि कराते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। निमंत्रण बच्चों को देना है, इसके लिए चित्रादि छपाते रहते हैं। यह चित्र बाहर भी जाएंगे। बच्चों को मेहनत करनी है, जो जो भाषा जानता है वह उस भाषा में जाकर समझाए। अनेक भाषाएं हैं। बाबा राय देते हैं, पूना और बेंगलोर तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ। सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में पर्चे छपाने हैं। बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ूं, नौकरी छोड़ी फिर यह सर्विस भी ना कर सके तो बोझ चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है, आंख दिखला देते हैं, फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं है। यह अक्षर निकलना नहीं चाहिए। बच्चों में देह अहंकार व क्रोध है तो बहुतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है, सब बच्चों पर नजर रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी, उनको फुरना रहता था। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है, फिर कई संशय बुद्धि भी बन पड़ते हैं। कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा है कल बदल जाता है। विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते हैं इस संस्था की ग्लानि क्यों है, समझते नहीं है ना शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि की है। फलानी को भगाया यह हुआ, श्री कृष्ण तो ऐसे कर ना सके। यहाँ भी भगाने का कलंक लगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं। क्यों छुड़ाते हैं वह तो कोई जानते नहीं। जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं। मुख्य है काम विकार, जिस पर तुम बच्चे विजय पाते हो। यह वंडरफुल बाप है, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना है। माया ऐसी है, तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं। कितना माया के विघ्न पड़ते हैं, धारणा नहीं होती है। यह भी विघ्न है ना, क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते। भगवान बाप तो वह है, उस अल्प को याद करो। भगवान उवाच, माँ में कम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ गॉड फादर भगत कहते हैं ना, तो बाप से वर्षा मिल रहा है। कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए, नहीं तो पद ऊंचा पा नहीं सकते। सर्विस तो ढेर है, रोला बहुत है। बाप का नाम भी गुम है, नॉलेज भी गुम है, तो पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण देना है। इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर्स छपे हैं सर्विस के लिए, रखने के लिए नहीं बने हैं। शिवाय नमः अक्षर बहुत अच्छा है, पूरा शिव बाबा का परिचय है। निराकार शिव बाबा आया है, जरूर वर्षा दिया है, आकर पतित दुनिया को पावन बनाया है। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर भी बहुत है, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए, यह शिव कौन है। शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है, उन्होंने क्या किया जो इतना मंदिर बनाया है। युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। अब भल समझे व ना समझे, अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है।
थककर बैठ नहीं जाना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले या मात पिता को फुरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। वरदान मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार। इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। स्लोगन, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। जाऊं इन लहरों को दामन में भर जाऊं।